नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी अमृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राहुल सांकृत्याय। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को यूपी के आजमगढ़ जिले के गांव पंदहा में हुआ। वैसे इनका पैतृक गांव कनेला है और राहुल जी का देहावसान 14 अप्रैल 1963 को हुआ। इनके जन्म और मृत्यु में संयोग यह है कि जन्म का मास और मृत्यु का मास दोनों अप्रैल है। 9 अप्रैल 1893 जन्म, 14 अप्रैल 1963 मृत्यु। राहुल जी हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये बहुभाषाविद थे और इनको 36 भाषाओं का ज्ञान था। राहुल जी ने सबसे बड़ा जो कार्य किया वो था बौद्ध धर्म पर युगांतरकारी शोध कार्य। और इनके जीवन का मूल मंत्र घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ी को हम गतिशीलता कहेंगे। और राहुल जी कहते भी हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। फिर एक जगह राहुल जी और कहते हैं, समदर्दिता घुमक्कड़ का एकमात्र दृष्टिकोण है और आत्मीयता उसके हरेक बर्ताव का सार है। राहुल जी को काशी के पंडितों ने महापंडित की उपाधि प्रदान की थी। और राहुल जी ने 1942 में हुंकार साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं को राहुल जी के समक्ष बोना कहा, क्योंकि वो मानते थे कि राहुल जी अगाध विद्वता के भंडार हैं। राहुल जी का एक प्रसिद्ध कथन भी है, सौदा और आतिश हमारे हैं, गालिब और दाग हमारे हैं। राहुल जी को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि विद्यालंकार विहार से मिली और अधिकांश लोग इनको बुद्ध पुत्र कहते हैं, परंतु काशी प्रसाद जायसवाल ने इनको भारत पुत्र कहा। राहुल जी का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत एक भाग है, तिब्बत में सवा वर्ष। तिब्बत में सवा वर्ष का कुछ अंश देश पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए राहुल जी के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम। इनके 4 कहानी संग्रह हैं, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनेला की कथा। राहुल जी के उपन्यास इस प्रकार हैं, 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री और दिवोदास। राहुल जी की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा और यह 6 भागों में है। अब बात करते हैं राहुल जी के यात्रा साहित्य के विषय में। इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार हैं, लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन 1937 में हुआ। फिर है तिब्बत में सवा वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र 1949 में प्रकाशित हुआ। और राहुल जी का अगला यात्रा वृत्तांत है
एशिया के दुर्गम भूखंड। राहुल जी ने जीवनी लेखन भी किया, तो राहुल जी द्वारा लिखी गई प्रमुख जीवनियां इस प्रकार हैं। नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, मार्क्स, माओ से तुंग, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सिंहल, घुमक्कड़, जयवर्धन, कप्तान लाल, सिंहल के वीर पुरुष और महामानव बुद्ध। राहुल जी ने तिब्बत यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की मनाही थी। राहुल जी का मूल नाम केदार पांडेय है और इन्होंने 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राहुल जी ने 1940 में देवली कैंप के जेल प्रवास के दौरान एक ग्रंथ रचा जिसका नाम है दर्शन दिग्दर्शन। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे स्वयं तक सीमित न रखें और हिंदी के विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।